गूंज वेलफेयर क्लब ने पिहोवा के तहसील में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर चैम्बर सह प्रेम भेंट किया, जिसका उद्घाटन नायब तहसीलदार राजेंद्र जी द्वारा किया गया। उन्होंने संस्था के इस कार्य को बहुत सराहा और कहा कि संस्था बेहतरीन कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष रजत कुमार पांचाल ने बताया कि ये सैनिटाइजर चैम्बर संस्था ने मेक इन इंडिया के तहत खुद ही बनाया है। इस चैम्बर को पूरा ऑटोमेटिक सेंसर कंट्रोल बनाया गया है, जिसमें चैम्बर में प्रवेश करते ही मशीन अपने आप 10 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाती है और सैनिटाइज होना शुरू हो जाता है। इस मशीन में 14 फुहारे लगाए गए हैं, जिससे व्यक्ति का पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाता है। इस मशीन को बनाने में लगभग 19,500 रुपए खर्च आया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था ने पिछले वर्ष भी एक सैनिटाइजर चैम्बर पिहोवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैप्रेम भेंट किया था। कोरोना महामारी में लगातार ये भी कार्य कर रहा है और हम सभी को मिलकर इस बचाव के प्रति प्रयास में एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। उन्होंने युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया और आमजन से भी अपील की कि वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति पाने हेतु कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की पालना अवश्य करें। सर, हमारी संस्था गूंज वेलफेयर क्लब बढ़ चढ़ कर इस कोरोना महाकाल में आगे आ रही है और ये हमारी दूसरी सैनिटाइजर मशीन है जो हमने यहाँ पे डोनेट की है। इससे पहले जो हमने सैनिटाइजर मशीन दी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी थी और जैसे जानते हैं कोर्ट के अंदर आवाजाही बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने यहाँ पर ये सैनिटाइजर मशीन लाई है, जिससे कि ऑफिस जो अपने अंदर ऑफिसर हैं और अपने आमजन हैं वो इस महामारी से बच सकें और सुरक्षित रहें। पब्लिक के लिए दिया है, इसके लिए बहुत मेहनत की है ना, ये पब्लिक इसमें निकलेगी इसको फायदा होगा, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं इसके बारे में ताकि हम और लगाएंगे, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।